उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए गोलीकांड के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह पीड़ितों से मिलने जा रही थी, तभी उनके काफिले को नारायणपुर चौकी के पास रोक लिया गया। इसी मामले पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने जनतंत्र टीवी के संवाददाता अमित सिंह से खास बातचीत की। सोनभद्र जाते समय यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनको मिर्जापुर के लिए रवाना कर दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव जी हमारे साथ हैं। सुष्मिता जी, सोनभद्र जा रही थी प्रियंका जी, 144 लागू था, उनको हिरासत में ले लिया गया है, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है? प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की महासचिव है, वो यूपी की प्रभारी है। वहां पर ऐसा एक हादसा हुआ जिसमें बच्चे, महिला, कई लोग उसमें इंजर्ड हैं। उनका ये कर्तव्य है वहाँ उन लोगों के पास जाकर पूछना कि क्या तकलीफ है, क्या वो ठीक है, क्या हुआ। पर जिस तरह से आदित्यनाथ जी की सरकार ने और यूपी पुलिस ने उनको रोका और गेस्ट हाउस में शायद डिटेन करके रखा, चाहे वो फॉर्मल हो, मैं मानती हूँ ये गलत है। इस देश में ये परंपरा है कि जहाँ पे ऐसे हादसे होते हैं जनप्रतिनिधि वहाँ जाता है और लोग एक जनप्रतिनिधि से वो उम्मीद भी करते हैं। तो आदित्यनाथ जी ने 144 लागू कर दिया। प्रियंका जी कह रही है मैं 5 लोगों से कम लोग लेके जाऊंगी ताकि वहां पर किसी तरह की असुविधा ना हो। तो आदित्यनाथ जी क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनका पर्दाफाश होता है। जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है और इसीलिए वो घबरा रहे हैं। प्रियंका, लगता है कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला था, उनको सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए था, जो यूपी पुलिस का कहना है। यूपी पुलिस को मेरा ये सवाल है कि बलात्कार पे बलात्कार, बंदूक के गोलियां चल रही हैं, जमीन के कब्जे को लेकर डीजी सो रहे हैं क्या? वो हमको बता रहे हैं 144 क्या होता है? डीजी को बोलिए अपना कर्तव्य पालन करें, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव जी का कहना है कि 144 लगाना सोनभद्र में, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है इस पर। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी 5 लोगों के साथ जाना चाह रही थी, उनको लोगों से नहीं मिलने देना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में उठाती रहेगी, जहां जहां कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, AICC, दिल्ली।